Go ahead, Naga. Okay, thank you. Welcome, everybody. Thanks for the joining our call with Genpa team. And Genpa team, awesome to see all of you, especially all our field team members. I see Ghanshyam Bhai, I've seen Prakash, Kamlesh, and Dineshi, everybody. Thank you for taking the time. So I would let Pankti, Harneshwai, and Dhwanit lead the call. And after 45 minutes or so, and anytime if anybody has a pressing question, you can write in the chat and we can take the question from there. And yeah, good to see all the field team from Danta. Happy to see all of you. So over to यस you, Harnesh Bhai. मैं अब अपनी टीम से एक बार सब लोग अपने चेहरे दिखा दे, वीडियो ऑन कर दे। जी हरिनेश भाई, मैं एजुकेशन टीम, अगरिया टीम और हेल्थ टीम, तीनों टीमों को कहूंगी कि वो बारी बारी अपना माइक अनम्यूट करें। हम शुरुआत अगरिया टीम से कर रहे हैं, तो वो बारी बारी अपना ट्यूब अनम्यूट करें और हो सकता है तो वीडियो भी ऑन करें और क्विकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। मेरा नाम घनश्याम, अगरिया हितरक्षक मंच सांतलपुर आडेश्वर और राजूला में काम करता हूँ और करीबन 20 साल से टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ, अगरिया टीम के साथ और एड के साथ। मेरा नाम प्रवीण है। मैं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट के जो ओरन है उसके अंदर एजुकेशन आरोग्य के आरोग्य से लेके काम कर रहे हैं हम। हाँ, मेरा नाम आनंद है। मेरा नाम आनंद है। मैं अगरिया हितरक्षक मंच में 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं सुरेंद्र नगर डिस्ट्रिक्ट में जो लिटिल रन बच्चे उसमें 18 रन पाला है, उसमें बच्चों को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से बच्चों को बढ़ाता हूँ और ये शिक्षण पानी। हमारे आनंद भाई के बारे में मैं थोड़ा ये कहूंगा कि 10 साल पहले हमारी टीम जब रण में जाती थी तो आनंद भाई खुद नमक पकाते थे। उनका फैमिली वो ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्मर फैमिली है और फिर उन्होंने स्कूल में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, वो आनंद भाई और उनके बीवी दोनों ने, और बच्चों के साथ इतना अच्छा घुल मिल के काम करते थे, बच्चे उनको पसंद करते थे। फिर वो नमक बनाना छोड़ के वो हमारे टीम के साथ जुड़े, लेकिन उनके फैमिली मम्मी पापा वो अभी भी वो ट्रेडिशनल सॉल्ट फार्मर है और वो नमक बनाते हैं। बच्चे दूर दूर से पढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे, उन बच्चों को डिजिटल लर्निंग के माध्यम से अभी स्कूल में ज्यादातर बच्चे आते हैं। मारुत भाई का माइक नहीं लगा है, लेकिन मारुत भाई हमारे साथ अर्थक्वेक के टाइम पे जनपथ में हमारा अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम जो था और उसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन का जो काम था बच्चों के एक्टिविटी सेंटर, उसमें वो एज अ वॉलेंटियर वो हमारे साथ जुड़े थे। और फिर जब अर्थक्वेक रिहैबिलिटेशन का काम पूरा हुआ, ऑर्फन और सिंगल पेरेंट बच्चे उनका सोशल रिहैबिलिटेशन का काम जब खत्म हुआ, तो उसके बाद वो हमारे अगरिया टीम के साथ जुड़े। और पूरा एक डिस्ट्रिक्ट मोरबी करके डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत ही इको सेंसिटिव स्पेस है और एलआरके का एक हिस्सा भी है वहाँ पर, जहाँ एलआरके समंदर से मिलता है, तो ये क्रीक वाला एरिया। और वहाँ पर डीनोटिफाइड ट्राइब के यानी मियाना कम्युनिटी के सॉल्ट फार्मर और छोटे मछुआरे जो रण के अंदर ब्रेकिश वाटर इकोसिस्टम होती है, तो उसमें जो सीजनल मछली पकड़ने जो फैमिली जाते हैं तो उनके साथ वो मंच के हिसाब से जुड़ के काम करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ध्वनीत है और मैं दाता ब्लॉक के अंदर बनासकांठा जिले के अंदर मैं पिछले करीबन 7-8 साल से जनपद के साथ मैं जुड़ा हूँ। और हमारे यहाँ का मेन कोर फोकस जो प्रोग्राम जिससे हमने शुरुआत की थी दाता ट्राइबल ब्लॉक के अंदर, तो वो डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट एंटाइटलमेंट एंड उसके साथ हम लोगों ने अभी अभी हेल्थ के अंदर भी हमारा काम जो है वो अभी पिछले करीबन 6 महीने से हम लोगों ने शुरुआत की है। यहाँ पे जो मेरी टीम है तो उसके अंदर करीबन 10 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं। सबसे बड़ी टीम हमारी है यहाँ की दाता की, तो वो अब एक बार बारी बारी उनका इंट्रोडक्शन जो है वो। प्रणाम सबको। जी मेरा नाम दिनेश जी परमार है और मैं यह कुंडिया सेंटर से 20 किलोमीटर अंतर से आता हूँ और मैं यह मेरे को 2-3 पाठशाला दी गई है, इसमें बच्चों के साथ टैबलेट से पढ़ाई करवाता हूँ।
और साथ साथ में जो गांव का छोटा बड़ा जो काम है वो उसका सर्वे करके इसमें जो अति गरीब लोग हैं उसके साथ मिलके हम उसका प्रोफाइल पूरा देखते हैं और उसको क्या जरूरत है वो हमारी जो जनपद संस्था है उसके माध्यम से हम उसको मिलके थोड़ा मदद करते हैं। मेरा नाम कमलेश खोखरिया है। मैं डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम में 2 वर्ष से जुड़ा हूँ और मेरे गांव से 10 किलोमीटर के अंतर में 3 स्कूलें हैं। ये 3 स्कूलें में टैबलेट के द्वारा बच्चों के मित्र बन के बच्चों के पढ़ाते हैं, और जो जब टाइम मिलता है और वैकेशन के टाइम में हम सोशल काम करते हैं, लोगों का जो विधवा पेंशन है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड में नाम डालना है और कम करना है, वो सब काम हम उसको घर जाके करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम नागजी वाघेला है और मैं 2 साल से जनपद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। पहले मैं जब कोरोना का वक्त था तब संस्था में जुड़ा हुआ था। तब 2 साल से बालकों की वो शाला सब कुछ बंद था, तो उस वक्त में हम जुड़े तो यहाँ तो लोग बहुत गरीब परिस्थिति से बिलोंग करते हैं, इसलिए डिजिटल एजुकेशन की उनके पास था, तो तब हम टैबलेट लेके जाते थे और सारे जो बस्तियां होती थी तो यहाँ थोड़े थोड़े बच्चे 10 12 इकट्ठे करके इनको एजुकेशन देते थे कि इसको थोड़ा गिनने आते और बोल पाते, ऐसे ऐसे प्रवृत्ति करवा रहे थे। इसके बाद मुझे जुड़ने का बहुत अच्छा ही लगा कि ये हमारा इलाका है, जंगल इलाका है और लोग यहाँ एजुकेशन का स्तर बहुत नीचा है, तो लोगों को कुछ पता नहीं चलता कि कोई आके उसको फुसला के उनका कोई काम कर जाता था। तो हम इन लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो वो राशन की दुकान है तो इन उनको क्या 50 40 50 किलो गेहूं चावल मिलते थे तो लोग 10 12 किलो देके बेच देते थे। तो क्या किया हमने कि उनको जाके समझाया कि तेरा तुमको इतना राशन मिलता है तो आप क्यों नहीं बोल पाते, तो ये सारे लोग डरते थे कि हम यहाँ बोलेंगे तो वो लोग कुछ कहेंगे, तो इनको साथ मिलकर हमने इनको जब जब भी उनको बोला कि भी ये करवाना है तो हम इनके साथ जाकर वो राशन की दुकान वालों के साथ भी कहते थे कि भी ये इनका हक है, उनको मिलना चाहिए। तो बहुत सारा फर्क आया और ये संस्था काम कर रही है हमारे एरिया में हमारे लोगों के लिए, तो हमका बहुत अच्छा बेनिफिट था कि कोई तो है जो हमारे इस ट्राइबल एरिया को सपोर्ट करना चाहता है, ट्राइबल एरिया को अच्छी लोग शिक्षा मिल सके, हेल्थ अच्छा मिल सके, इसलिए काम कर रहा है। तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा और 2 साल तकरीबन 1 साल से तो मैं वो सारे हमारे वॉलेंटियर से इनकी कोऑर्डिनेशन का भी काम करता हूँ। और एक तो अच्छा वो है कि हमारे यहाँ बिजली फार्मरों को है नहीं, तो संस्था ने एक मिशन किया है कि सोलर लगाना, तो लगभग 15 16 खेडूत अभी ऐसे है कि जो उनको बिजली है नहीं और अति ट्राइबल में जो डूंगरे में रहते हैं उनको आज उनके खेतों में पानी जा रहा है, अच्छी फसल भी हो रही है, तो ये अच्छा बहुत मुझे लगा ये जनपद के साथ काम करने। ओके थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम विजय ठाकुर है। मैं जनपद संस्था में 1.5 साल से कार्य करता हूँ, साथे साथे सामाजिक कार्य कार्य करते हैं और जिसमें हम वेकेशन में लोगों के घर जाके उन्हें कोई भी प्रश्न हो इस घर का वो उसे निवारण लाते हैं, जिसमें आधार कार्ड, रेशन कार्ड, चुटनी कार्ड, जो हम कोई सुधारा करने का हो उसे हम साथे जाके हमारे प्रांत के मामलेदार पंचायत में कन्हैया ने सुधारा करते हैं, साथे भारत सरकार द्वारा एक बालक माता पिता सहाय योजना से जमा कुछ बालक माता पिता सहाय फॉर्म भरते हैं जिसमें बालक के माता पिता या दोनों ना दोनों नहीं होते तो उसमें हम
उनके सभी डॉक्यूमेंट इकट्ठे करते हैं और उसकी हम फाइल बनाते हैं और आके पालमपुर उसे में बेचते हैं और बालक को दर महीने 3,000 रुपये मिलते हैं। ये हमारे विजय जो है हमारे बाल दोस्त बच्चों के अंदर बहुत फेवरेट है। विजय की स्पेशलिटी ये है कि उनके झोले में एक कैची और कंगा ये सब रहेगा, नेल कटर, और बच्चे जब ज्यादा बाल बढ़ गए हैं तो वो स्कूल में ही बच्चों के बाल जो है वो सेट करते हैं, उनके नाखून काटते हैं, यानी वो हाइजीन वाली बात, यानी लिटरली वो बच्चों के इतने अच्छे दोस्त बन के काम करते। बच्चे कभी कभी इनको जब दूसरे स्कूल जाना होता है उनकी मोटरसाइकिल की चाबी छुपा देते हैं ताकि वो ना जाए और उनके साथ रहे। तो ये हमारे करीब काफी हमारे बाल दोस्तों को इस तरीके से जुड़ाव, उनका बच्चों के साथ जुड़ाव जो है वो रहता है। मेरा नाम तेजलबेन ठाकुर है। मेरे गांव के 6-7 किलोमीटर दूर मुझको स्कूल दी गई है। 3 स्कूलें हैं मेरी, गाजीपुर, गढ़ और मोड़ी। मैं इस स्कूल में जाती हूँ और बालकों को टैबलेट द्वारा बोर्ड द्वारा बालकों को प्रवृत्ति कराती हूँ। पहले तो बालकों को स्कूल में शिक्षक, जब स्कूल में बालक आते नहीं तो शिक्षक घर ले जाते थे लेने के लिए, फिर भी बालक आता नहीं था। लेकिन हम जाने लगे हैं तो बालक हमको देखते ही स्कूल में आ जाते हैं कि चलो चलो मैडम आई है बढ़ने के लिए चलो। ऐसे ऐसे स्कूल में जाके हम प्रवृत्ति कराते हैं और वैकेशन के समय हम सामाजिक कार्यों लेकर आधार कार्ड, चुटने कार्ड, जे का उसका माता पिता नहीं है उस बालकों को मदद करते हैं और बालकों को घर जाकर हम स्कूल में लेके आते हैं कि चलो बेटे स्कूल में पढ़ने आना चाहिए। तो बालकों भी हमारे साथ बड़े प्रेम से ही स्कूल में आ जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है चौहान कोकिला और मैं 1 साल से जनपद संस्था में काम करती हूँ। मुझे 3 स्कूल दी गई है, मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर है और मैं 3 स्कूलों में बच्चों के साथ साथ काम करती हूँ और टैबलेट के साथ प्रवृत्ति और ब्लैकबोर्ड के प्रवृत्ति कराती हूँ। तो हमें बच्चों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है और हम वैकेशन में सोशल वर्क का काम करते हैं, जैसे कि विधवा बहनों की घर की होम विजिट करके उस और पालक माता पिता के बालकों की होम विजिट करके उसकी प्रोफाइल बना के उसको जनपद संस्था के द्वारा से कुछ थोड़ी मदद करते हैं बस। नमस्ते सभी को, मेरा नाम चमार बाहूभाई है और मैं बनासकांठा जिले का द्वाता तालुका के मऊड़ी गांव से हूँ। मैं जनपद से 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और हमारा काम है एजुकेशन और उसके साथ साथ सोशल वर्क भी करते हैं। तो एजुकेशन में हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको इस बार जो सबसे बड़ा एक काम किया है वो है दोपहर के भोजन के बाद नाश्ता जो बच्चों को दिया जाता था, लेकिन यहाँ के स्कूलों में दिया नहीं जाता था, सिर्फ भोजन ही दिया जाता था दोपहर को। लेकिन इन पंक्ति बहन ने बात हमको कहा कि आप बात करो, SMC से बात करो, आचार्य से बात करो, गांव के लोगों को बात करो। तो हमने जाके SMC मीटिंग की, लोगों के साथ मिले और बातचीत की, तो फर्क आया कि अब दोपहर को भोजन के साथ साथ 4 बजे शाम को नाश्ता भी दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है के जनपद संस्था द्वारा बच्चों को अब नाश्ता भी मिल रहा है। उसके साथ साथ हम सोशल वर्क भी करते हैं, जिनको जो बूढ़े लोग हैं जो मजदूरी कर नहीं सकते, ऐसे लोगों के घर जाके हमने उनकी प्रोफाइल बनाई कि इस लोगों को किस लोगों को देना चाहिए। तो हम जनपद संस्था द्वारा उन लोगों को राशन किट भी देते हैं और उसके साथ साथ जो बिपोर जोर वावाजोड़ा में जिनके घर उड़ गए थे, जिनके घर में पानी पड़ रहा था, उन लोगों का भी सर्वे किया और उन लोगों को रहने के लिए ताट पत्री दी और उनके घर पे ढंकवा कर अब उनके यहाँ पानी नहीं पड़ रहा है, बारिश
तो चली गई लेकिन अब अच्छा है, सब लोग रह रहे हैं। थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम हसु भाई है, मैं जनपद संस्था में 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं सोलर ड्रिप ऑर्गेनिक में काम करता हूँ और हमारे जनपद संस्था ने दांता और अमीरगढ़ ट्राइबल एरिया में 13 किसान को सोलर पंप दिया है, उसमें काम करता हूँ मैं। रेवा भाई हमारे सबसे पुराने दांता ट्राइबल ब्लॉक में सबसे पुराने हमारे साथी रेवा भाई है और वो पूरा हमारा वहाँ का कैंपस है, कैंपस इंचार्ज है वहाँ पर, जो करीब 3,000 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। वो पेड़ लगाना और पेड़ में वो ड्रिप वगैरह करके उनको बड़े करना, पूरा जंगल खड़ा करना और ट्राइबल फार्मर्स के साथ हर फैमिली को 5-5 पेड़ दिए हैं, जिस पेड़ से जो फल बैठेंगे उससे उनका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बढ़े। तो ये सब उनके उनके दिमाग से सोच के फैमिलीज को प्रोग्राम के साथ जोड़ना और वो चेंज प्रोसेस को लीड करना, एक्चुअली वो कार्यकर्ता से ज्यादा वो वहाँ के ट्राइबल लीडर है रेवा भाई। यस बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ वो हेल्थ प्रोग्राम ये 3 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में फोकस करते हैं, अमीरगढ़, दांता और दूसरा पोशीना। ये पूरा हमारा साउथ राजस्थान से जुड़ा गुजरात का ट्राइबल एरिया है और यहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी डूंगरी भील और गरासिया, ये 2 कम्युनिटी के लोग जो है वो यहाँ पर, ये पूरा जंगल और पहाड़ी इलाका है और ये मालनरिशमेंट यहाँ पर सबसे ज्यादा है। तो आने वाले दिन में हमारा फोकस वो मालनरिशमेंट से लड़ाई और वो बच्चों को मालनरिशमेंट से बाहर लाना, तो अभी काफी फोकस इंटेंसिव प्रोग्राम जो हम सोच रहे हैं और यहाँ पर लोकल सपोर्ट से और लोकल रिसोर्सेज में उसमें डाल रहे हैं। तो ये नई टीम जिसमें हमारे ट्राइबल इलाके की बच्चियां जिन्होंने नर्सिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो वो एज अ चेंज एजेंट विलेज लेवल पे वो नई टीम हमारे साथ जुड़ी है और उनमें से मैं बोलता हूँ चेतनाबेन। चेतनाबेन सबसे पहले आप कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम चेतनाबी है और मैं यहाँ के स्थानीय रहवासी हूँ। मेरी ट्रेनिंग अभी चल रही है और जो यहाँ की जो समस्याएं है वुमेन्स के लगती, एडल्ट हेल्थ की जो गर्ल्स है और जो चिल्ड्रंस है जो कुपोषित है उनको जो रेड या येलो ग्रीन, येलो जो ग्रीन में जोन में आ रहे हैं उनको ग्रीन जोन में लाए और जो समस्याएं है महिलाओं की वो हम दूर करें, ऐसा प्रयत्न करेंगे। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम है गमा शारदा और हमारे हफ्ते में जनपद संस्था के हमें अगले हफ्ते महीने से हमारी ट्रेनिंग चल रही है जो महिलाओं का प्रश्न है वो जो अजय हमें गांव में सर्वे करने के लिए जाए तो जो हमें ट्रेनिंग में समझा जाता है कि वो जो महिलाओं को खबर नहीं होती वो प्रश्न सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। कुपोषित बालक है वो आंगनवाड़ी में नहीं जाते, वो उनको आंगनवाड़ी तक ले जाने के हमारे पुरतो खोराक न मिलते हो, इन्हें खोराक आप ही सके थे सुधी हमारी ट्रेनिंग चल रही है। नमस्कार, मेरा नाम है मुंबड़ी आशा बेंद्रंगुबाई, मैं जनपद संस्था के साथ पिछले 1.5 महीने से जुड़ी हुई हूँ। हमारा बालको कुपोषित हो तो बालको ने पूरतो खोराक आपो अने बनतो घर में जे वानगी अने लीला पांदड़ा वाला शाकभाजी अने नीचे कम्युनिटी के साथ, लेकिन जब बात आती है कि ट्राइबल बोली और गुजराती मेन स्ट्रीम गुजराती छोड़ के हिंदी में बात करना, वो उसमें उनको झिझक हो रही है और कभी
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम एक प्लेटफॉर्म पे आके हिंदी में बात कर रहे हैं। हम सबसे ये रिक्वेस्ट करते हैं, बिल्कुल, हम सबसे रिक्वेस्ट, जितना आप हिंदी में बोल पाते हो बोलो, बाकी आप अपनी भीली भाषा बोली में जो भी बोलना है वो आप बोल सकते हैं। सो हरिनेश भाई और पंक्ति, आई जस्ट वांटेड टू से समथिंग, दिस इज रूपाली। आप सबको यहाँ पर जूम कॉल पे मिलके हमें बहुत खुशी हुई, और आप लोग बहुत सरस काम कर रहे हो वहां पर, ये सुन के सब बहुत अच्छा लगा हमको। जब आप लोगों से, आप जो काम कर रहे हैं ये हमें सुनने को मिलता है, हमें तब यहाँ और काम करने के लिए मोटिवेशन मिलता है। सो थैंक यू, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नमस्ते, मेरा नाम है बढ़िया रोशनी बहन, मेरे गांव का नाम है नानी टुंडिया, मैं दांता तालुका और बनासकांठा जिले से हूँ। मैं जनपंच के साथ जुड़े हुए अभी मुझे 1.5 महीना हुआ है। मुझे ये काम में बहुत अच्छा लगता है जिसमें कुपोषित बालकों और महिलाओं का एवं प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं वो हम महिलाओं को घर जाके समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम है मकवाना आसाबेन कृष्णा भाई, मेरे गांव का नाम है कांटीवास, और मैं जनपद आरोग्य टीम में हूँ, जनपद आरोग्य टीम के साथ जुड़ी हुई हूँ। और जो महिला महिलाएं कुपोषित और बालकों हुए उनके प्रश्न घर पे जाके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम कटेरिया कैलाश बेन बाबूपाई है, जनपद संस्था में आगे तालीम टीम से हूँ, उसमें हमें महिलाओं और कुपोषण बालकों के विषय जो ट्रेनिंग जा रही है वो हमें अच्छा लगा, और बालकों को और महिलाओं को प्रश्न करने में जो ट्रेनिंग जा रही है अब हम अच्छे से प्रवृत्तियां वो सब अभी तालीम में सीख रहे हैं। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम चौहान नागेश जी है, मैं गढ़मौड़ी गांव से बिलोंग करता हूँ। जनता के साथ जुड़ा हुए मुझे करीब 1 साल पूरा हो गया है, और मुझके मेरे घर से करीबन 20 किलोमीटर अंतर से 3 स्कूलों दी गई है, उसमें मैं बालकों के साथ पढ़ाने का काम करता हूँ और टैबलेट के साथ भी प्रवृत्ति कर। जब जब बालक बोरिंग हो जाते हैं तो उसको बाद में रमतों को भी रमार देता है। इसके बाद जब जब स्कूल में वैकेशन होता है तो उसके उस समय हम विधवा पेंशन, वृद्ध पेंशन, राशन कार्ड में नाम उमेरने का हो, कमी करने का हो, और साथ में पालक माता पिता की योजना जो इस एरिया में काफी माता पिता वगैरह के बच्चे है तो उसके वो भी करी आते हैं तो बालकों को पढ़ने में सहाय हो सकती है। बस नमस्ते, मेरा नाम सेनमा प्रकाश भाई कांति भाई है, मैं इस संस्था में जुड़े 2 महीने हो गए। इस 2 महीने के दरमियान जो संस्था द्वारा 24 स्कूल है उस 24 स्कूल की मुलाकात ली, और स्कूलों में जाके टैबलेट साथ में बाल मित्र के साथ में मैं भी था, और टैबलेट के अंदर डिजिटल लर्निंग की और साथ साथ में जो सामाजिक कार्य करते हैं ये सब साथ में मुचुको भी रखते थे, और बहुत आनंद हुआ इस संस्था में जुड़ के। नमस्ते। नमस्कार, सभी साथियों को नए साल की शुभकामना। मेरा नाम भरत भाई सुमेरा है, मैं अगरिया दर्शक मंच के साथ 20 साल से काम कर रहा हूँ। इधर रन ऑफ गस जो एरिया है, एरिया में 5 डिस्ट्रिक्ट और 8 ब्लॉक, 109 गांव के लोग ये रन में नमक पकाने आते हैं। उसके लिए जो 8 महीने जो नमक पकाने के रन में आते हैं तो ये सबसे ज्यादा जो सोलबेन वर्कर है सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है, और सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट के साथ जो एड का सपोर्ट नहीं मिला था तब सरकारी की योजना शिक्षण है, पानी है, आरोग्य है, मध्यान्ह भोजन है, वो नहीं पहुंची हुई थी। एड के सपोर्ट के कारण सभी योजना ये सरकार के साथ कोऑर्डिनेशन करके वहां हम चले गए ले गए, और उसके साथ हमारा ये सबसे जो 5 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा है सोलबेन वर्कर सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट में है। उसके लिए सरकार भी जो भी जो हम गवर्नमेंट के साथ जो काम करते रन में उसके सभी विभाग की कमेटी में हम तालुका और डिस्ट्रिक्ट में हम बैठे हैं,
और उसके अग्रिय के इश्यू के लिए हम बार बार बात करते हैं, कोऑर्डिनेशन करते हैं, इसलिए वो पूरी योजना यह रन में मिल गई रही अग्रिय को। दूसरा ये है कि सबसे ज्यादा ये सोलर का भी ज्यादा फायदा हुआ, जो सोलपेन वर्कर 70% नमक पकाते थे उसका मुनाफा क्रूड डीजल में चले जाते थे, वो सोलर आने के बाद वो उसको ज्यादा फायदा हुआ, वो आर्थिक रूप भी वो सद्धर हुआ और ये बच्चों के एजुकेशन के लिए ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उसने लगा कि हमारा बच्चे भी बनना चाहिए, उसके भी प्रयत्न किया। गवर्नमेंट बहुत अच्छा, ये पूरे रन में 35 रनशाला चल रही है, उसमें हमारे साथ दो साथी है आनंद और प्रवीण, वो डिजिटल लर्निंग का प्रोग्राम चल रहा है, वही प्रोग्राम के वो पूरा ये देखभाल करते हैं, डेली ये जाते हैं स्कूल में, एक एक स्कूल, दो स्कूल, तीन स्कूल में, वो बच्चों को डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के साथ वो बच्चों कैसे अच्छा शिक्षा मिले इसलिए वो प्रयत्न कर रहे हैं। बस नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम नारायण भाई है, मैं जनपद संस्था में 1.5 साल से काम कर रहा हूँ और मैं यहाँ ट्राइबल एरिया में 3 स्कूल में बच्चों को पढ़ाने जाता हूँ और यहाँ ज्यादातर बच्चे ट्राइबल एरिया में ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि पढ़ने आते नहीं स्कूल में, तो उनको हम ये संस्था के माध्यम से हम बच्चों को उनके घर जाके उनके माँ बाप को मिलके हम बच्चों को स्कूल में लेके आते हैं। बस यहाँ लोग ऐसा समझते हैं कि ये पढ़ना ये वो सब क्या है वो सब समझते हैं, मगर ये संस्था को मैं धन्यवाद मानता हूँ कि यहाँ पंक्ति बहन हरनेश भाई उनके मन में ऐसा ऐसा आया कि ट्राइबल एरिया में स्कूल का दर नीचा है, तो उनके मन में ऐसा आया कि यहाँ प्रोग्राम शुरू करना चाहिए, तो उन्हें उसने यहाँ प्रोग्राम शुरू किया और आज बच्चे बहुत खुशी से पढ़ने आते हैं। नमस्ते। फिर हम ये परिचय वाला राउंड जो है वो पूरा करेंगे लास्ट में साधना बेन, और साधना बेन हमारे सारे प्रोग्राम में लोकल डोनर्स को जोड़ना और लोकल वॉलंटियर्स को मोबिलाइज करके हमारे प्रोग्राम के साथ जोड़ना, ये जिम्मेदारी जो है ये साधना बेन निभाते हैं और करीब करीब हमारा टोटल जो फंडिंग हमें मिलता है उसका 20-25% जितना फंड वो लोकल रिसोर्सेज से वो आता है और काफी सारे वॉलंटियर्स भी लोकल वो काम में जुड़ते हैं, साथ में जुड़ते हैं, तो उससे पूरा एक काम करने का अच्छा इकोसिस्टम वहां पर डेवलप होता है। साधना बेन, नहीं नहीं हो गया ना, कुछ मुझे कहने का नहीं है सब। ओके ओके फाइन। ये साधना और पंक्ति हमारे टीम में, साधना बेन भी पहले प्रीवियसली वो इसरो के साथ जुड़े थे और इसरो में रिमोट सेंसिंग का जो डिपार्टमेंट है उसमें उनका वो हार्डवेयर डेवलप करने का जो काम था वो पीसीबी डिजाइन करना ताकि वो सैटेलाइट में जो डेटा आते हैं वो डेटा एनालाइज हो, वो जिम्मेदारी साधना बेन वहां पर निभाते थे। तो उनका फ्रेंड सर्कल, खुद का फ्रेंड सर्कल, उनके कॉलेज फ्रेंड वगैरह, तो सबको अभी वो इस अलग अलग काम में हमारे साथ वो जोड़ते रहते हैं। अभी हमारा पंक्ति, अभी हमारा ये परिचय राउंड यहाँ हम खत्म करते हैं और ठीक है ठीक है ठीक है। सो आई विल बी प्रेजेंटिंग ऑन अगरिया एंड लीगल अवेयरनेस प्रोग्राम, व्हाइल ध्वनित विल देन टेक इट ओवर फॉर डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम इन ट्राइबल एरियाज। सो एड आई मीन एड फ्रेंड्स नोज दैट वी हैव बीन वर्किंग विद अगरिया फॉर लास्ट 15-20 years and basically focusing on how we can empower community, organize community, but at the same time we were also focusing on how basic facilities and basic rights are and entitlements are reached to them. So we have different programs in Agarias. One is solar pump program, education program, health program, and other rights and entitlements what we say. So I'll quickly talk on each of it, the activities done and the impact what we are seeing. The first one, as we all know, the basic problems faced by Agariya community, which is nomadic tribe community, making traditional way, making salt in Little Run of Kutch, and which has a history of say, over 600 years of making salt in this Little Run of Kutch, which is a sanctuary area. It's a wildest sanctuary declared in 1973.
So basically, the problem faced are threats of eviction because it was sanctuary area. And the threats of eviction actually started in 1973 only. But when the survey and settlement process was being taken off in 1997, it was again like more they were facing that they might be evicted from that area. And secondly, since it was a zero survey number area with no planning, no budget, so lack of basic facilities like water supply, education, health, housing, communication, everything was also a challenge when we started the work. Next. So when we started with our work, basically our approach was like how we can initiate, I mean, everything what we are doing be community-based and how we can enhance community participation into it, right from designing, planning, implementation, and monitoring. So that was the thing. And that's actually basically, I mean, we kept ourselves as an organization or the team very, very small. So we have only three people who are fellows, Ghanshyam Bhai, Marut Bhai, and Bharat Bhai, and those three were the facilitating agent, kind of a thing, like change agent or facilitating agent, who was actually engaging community in the change process itself. So that was the main, you can say, the main feature of our approach. Though we were doing education, health and many other things, we were not having special teams for each of those. With time, we had two more Sathis, Praveen and Anand, who joined in our education program because it was really a big challenge that there was no education facility inside the desert. Our base, another thing which I would like to mention, that we every time we also focus that we should influence the policy makers to change the policies for desert or to make the policies for desert. So that was also very important. Otherwise, we would have been giving services and giving those like education and health services continuously. We have to do it from our own resources. Whereas it is basically a responsibility of the state to reach out with education and health facilities in the desert wherever community is there. So that was our approach in taking all these programs. Next. This is something which is like a big achievement in last 1 year. Though the problem, as I said, was of last 15 to 20 years, where communities were asked to leave the run from time to time. In 2006, they were given notices. In 2008, in 2013, in some parts of the run or the other, the forest department used to give them notice of eviction, saying that you all are illegal in the desert and illegal in the sanctuary, and you have no right inside the sanctuary for making salt. We were pushing for Forest Right Act. However, since desert area is the unique area which does not fall technically into a forest definition, and secondly, the salt which is a produce of the agarias does not fall into a definition of forest produce. Because of this, the state was very reluctant to apply Forest Right Act. We actually went from village level to state level, up to state level SLMC committee, and finally SLMC took the decision that Forest Right Act will not be implemented in Little Run of Kutch. And meanwhile, because of focus on land, because LRK is a huge piece of land which is not been open for industries or for any other private players except communities. So there are other vested interests also who are looking on into the run areas, and there were some petitions in the Green Tribunal and Gujarat High Court saying that there is encroachment inside the sanctuary. So environmental angle was taken by the High Court and the Green Tribunal, and the notices were given to the state. So this resulted into pressure on agaria community, and they were almost evicted from the desert. So last one and a half year was very crucial, where agarias were not allowed to go into the run. They were not allowed to make salt. They were considered as illegal, and they were asked to produce evidences. Now, the history is the agarias are there since last 300, 400 or 500 years. No survey of the sanctuary area has been done yet. So there is no point in asking documentary evidence with the agarias, but state was not understanding this. Last 1.5 year was a crucial fight. The fight was going on for last 15 years, and we had different steps in between. We asked some research organizations to make some
Research is for us. We asked Charul and Vinay, who are also aid Sathis. They also made some very good research document for us, which was not only depicting how Agariyas are deprived of basic rights, but also talking of the state approach that they are making community illegal, which is there for last very many years. We also made detailed representation to Green Tribunal, around 300 pages report, which is talking about historical evidences of 18th century, 19th century, or even 15th century, talking about Agariyas being there in the desert. Secondly, we also gave a documentary evidence showing the coexistence between the community and the wildlife, which is wild ass. Wild asses are now grown up to 7,000 population, and they were only 300 when the sanctuary was formed. So this coexistence model was also put up, and a strong fight was given by community. They got together, had a big sammelan. More than 4,000 people had get together at Patadi, and we asked some senior lawyers from Delhi to join us, who also explained how we should take this fight legally in the court. Community got together and continuously made the presentation to their respective MLAs. There are 4-5 districts, 4-5 MLAs, and 4 MPs. So they continuously went and put huge pressure on their MLAs and MPs. And this was possible because in last 15-20 years, what we had done was we had put whole of our efforts to develop a community-based leadership. So, and also to understand that how citizen and voter is important into the democratic process, and how they have right to make their MP and MLA account. So this actually was a proper time that community could exercise what they have understood and what they have been learning for all these years, and they actually did it very nicely. So for almost one and a half year, several representations, thousands of signature campaigns, going to MPs and MLAs and ministers repeatedly, putting a huge pressure on them. Finally, it was almost like they, all 4 MLAs and MPs, clearly gave the sign to the state government that they will not be able to get elected from these areas if they are neglecting Agariya land issue. And finally, on 4th of September this year, government took principally a decision that all the traditional Agariyas, there are more than 5,000 or 6,000 families, will be given a land of 10 acre each family, and they will be allowed, I mean, legally allowed into the sanctuary area. I won't say it is allowed, it is like recognition of their land rights and livelihood rights inside the sanctuary. This was the big, big achievement, big, big fight, and a win for the Agariya community. Finally, there is a small problem again in Santalpur and Adesar area, where there are around 700, 800 primary traditional Agariyas, and which is the area which is near to the border areas, and government is still reluctant to allow Agariyas into that area. So the season has already started. Thousands of Agariyas are inside the desert and started making salt, whereas Santalpur and Adisar area, the government is still not allowing them to go inside, and our dialogue and coordination with the government is going on. Maybe we need to move to the court again for resolving this issue. Next, we can go to education program, because we also actually wanted to document all this fight, because it was not easy for convincing government or pressurized government to take the decision where around 6,000 families will be given a 10 acre of land inside the sanctuary area, and especially when the government is focusing more on giving land to private bodies we wanted to document this process, that how it was done, what were the strategies used, and how the data and the grassroots fight both were coordinated with channelize and focus energy we could put in and have this advocacy with the state.
We will document it some, I mean, so that we can use it in North future reference. Now we move to education program in the run. Everyone knows that when we started our work, there were no schools inside the desert. And we, with the support of aid and other local support, used to run shalas by giving putting a teacher over there. It's a community teacher and giving educational kits to children and all. But now with time, last some 4 years back, government had to take the decision and make government schools inside the run. So we have around 26 run shalas inside Little Run of Kutch, and where last year up to fifth standard, around 836 children were enrolled. Elder children are into the hostel, and there are around seven hostels, out of which four are running very nicely, and Agariya children are enrolled, and they stay in the hostel and continue their education in the village itself, whereas the young children are moving to the desert and they are enrolled into ranshalas, where our team, Praveen and Anand, goes to ranshalas, and basically their work starts to mobilize children for ranshalas, because ranshalas, though there are 26 ranshalas, each of the child has to at least come to 1.5 to 2 kilometers to reach to the ranshala. So many a time, parents are also busy with their salt farming, and thus children are not reaching to the school. So their work starts in October, November now, to mobilize children to the ranshala, to also to monitor, to see that the midday meals is given properly, teacher is coming on time, and make the learning little bit of fun inside the desert. In Gujarat, the primary education quality is very bad, and most of the children can't read, write, and do basic maths up to fifth standard. And in some of the areas, it's also got up to seventh standard. Now, recently, government itself has released the data that there are 2,30,000 children who are in 6th and 7th standard who can't read, write, or do any basic maths. And that was the qualitative assessment done by the government. So actual reality will be more, or you can say more number of children who can't read, write. So our focus is more to make the learning fun and do their basics so that they are not dropped out after 8th standard. Next. So activities inside, clear impact what we could see of the education program is decrease in dropout ratio, continuation of education from desert to school and school, desert to village and village to desert back. So you can see that children are continuing their education and reaching to higher education. So we are now having many, many children who are into after 10th for higher secondaries and in colleges and in homeopathic and nursing and A&M and other courses, and we are also partially supporting them with their fees. So that was the impact in last 10 or 15 years. You can see children come regularly. So another attendance inside the desert schools is also monitored, and we do have this digital also monitoring, like giving number of children every day. And the report is given from Praveen and Anand, and also from our community volunteers and Agariya Agivan or leaders. So we know that where children are there or where in which school children are not coming. Definitely improving their reading, writing, and math skills, which was again important for them not to get dropout from after 8th standard. Regular supply of midday meal, milk, that is morning milk and afternoon snacks. And this is in good. Gujarat, I don't know whether this is there in which other states or not, but in Gujarat, because of malnourishment ratio, if you can say family health survey of National Family Health Survey, every time you can see Gujarat in a very bad shape as far as nourishment is concerned. So malnourishment is very high, and that's why morning Doodh Sanjeevani scheme is being extended to some of these districts, and our Agariya and our tribal areas are coming into those marginalized districts. So Doodh Sanjeevani scheme is extended there. Afternoon, we have a midday meal, and then there is an afternoon snacks around 4 o'clock, which is again chana or something to give extra, or you can say supplementary nutrition. So
दिस वॉज रेगुलरली गिवन बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स दैट भरत भाई घनश्याम भाई एंड मारुत भाई पुट टू हैव द लोकल मिड डे मील कुक एंड द वॉलंटियर हु कैन कुक एवरी डे फ्रेश फूड नियर टू द स्कूल एंड रीच आउट टू द स्कूल सो दैट चिल्ड्रन कैन हैव हॉट कुक मिड डे मील एवरी डे. सो दिस वॉज बेसिकली इम्पोर्ट दैट डेफिनेटली इम्प्रूव देयर माल आई मीन नरिशमेंट एंड हेल्थ. पहले चिल्ड्रन आई मीन चिल्ड्रन इज टू गेट सिक वेरी ऑफन. You can see their attendance is improving. They are coming regularly and not getting so much sick frequently. And the last impact is government recognized Ranshalas as part of their planning. So Ranshala is now a part of government program and they have a budget for it. And that was the big achievement. Our budget into Ranshala is now supplementary where something is needed and government budget is not coming or it is not sufficient. Or with our digital program, we digital learning program, we only have that much support to Ranshala. Next. Next is our health program. When we started it long back, we had to have medical camps and all with our own cost. But now we have pulled government, and government does around planning of more than 1 crore rupees every year for desert areas because we have around 6 to 7 thousand families inside. So there are medical vans, mobile health vans running into the desert. They go into different route plans that are pre-designed and shared with the communities, and they stay at particular location for some time so that community knows that when mobile health man has come, they come for taking medicines or whatever problems they have. Still, we are facing problem because we do not have a lady doctor many a times in this mobile health man. We have a gents doctor or a male health worker that sometimes, I mean, the ladies, agariya women do not feel comfortable to share their problem, health problems with the doctors. We are trying with the government to have lady doctors in the mobile health van. In Patade, we do have a mobile health van with the lady doctor. In other areas, that is a problem. Last year, 14 medical camps were organized in different run areas where our team played a very active role to reach out to the community so that communities take maximum benefit of these health camps. And medical camps are organized very properly with have different departments inside it, inside the medical camp, and the expert doctor of each of these, like orthopedic, pediatric, gynec, etc. And the medicines are also given free of cost. So, and this year we are planning to have a regular medical camp of every 15 days. That's what the planning has been done with the collector. Again, our role is very partial over here to mobilize kids, patients, and to see and monitor that the medicines are available, the treatments, I mean, the checkup is done properly, and also take community's feedback about it so that our next health camp is organized properly. Our intervention has led to this impact, the regularity in health service, the accountability of the doctors. If the doctors are not going regularly or if there is a condition of the health man is not proper, like for example, the one you see in the picture, that the health van was really, really in a bad shape because in desert areas, when health van goes for 2 years, then it has to be replaced. But this was there; it was already an old health van that was given for the desert. And when we went into the desert, we met a doctor, and they said, the health van was really in a bad shape. It was. Doctors inside in the medicine boxes inside were full also with dust because it was not airtight. The even the glasses were broken. The engine problem was also there. We immediately reported this, also given into the media and all. So the next new health van can be arranged. Sometimes we also have to go up to the district and the state level to arrange for the budget from the health department. For the new health vans, because regularly they do not replace the health vans in 2 or 3 years for villages, but for desert this becomes an extra cost, and we need to convince them many a time.
but this was done. Another impact was an ICDS program was extended to the desert, and that was also because we continuously brought into the notice of the state and at the central level the malnourishment and the lack of ICDS facilities for the desert. So now at least the nutritional support is given to the run for adolescent girls, pregnant women, and lactating mothers. We do not have a full-fledged Anganwadi centers running in the desert, basically because each of the agaria is scattered. So it's very difficult to have many number of Anganwadi centers where kids up from 3 to 6 year can be mobilized and can be given a preschool education facility. Next. Yeah. I mean, we all are very, very thankful that this digital survey was done with the help of the aid support. We were planning it long back. It was done in last 3 years. I mean, last 2 years, in fact, 2 seasons. And I mean, it's a very costly program. One survey cost around 10 lakh rupees. But finally, each of the agaria farm was mapped, and the entire survey of that family, socio-economic profile, and also how they are living in the village. So whether they have pakka house, whether they have land or not. So entire survey along with the production of that salt farmer was done, and a separate website at present it is called as hakklink.co.in. Now this Klink is the technical agency which we have engaged to have this. Finally, we will have another website which will not have a Klink name. But basically, this is now a website, full-fledged website, which is showing each of the agaria salt farm. And if we click on that, we can see what is the profile of that agaria. And we also have a segregated data for each of the parameters. So we want to see how many agarias have Aadhaar card, how many children are there up to 14 years, how many kids are there out of school or inside school, how many have full pledge, pakka house at the village. We can see that segregated data area-wise, even the sub-area of the desert. And this proved very, very important role, played very, very important role while we were advocating with this Green Tribunal, High Court, and the state for saying that agarias are there inside the desert and they are in large number. Because basically, government had done one survey in 2016, Forest Department, and they were showing around 1,100 agarias on their report. 1997, when the survey and settlement was done, they came out with some list in 2012, which was again shared in 2019, which were showing only 1,100 or 1,200 agarias, and who were not even agarias. There were many of the traders who were named as agarias in this survey and settlement process. So it was very difficult to prove that there are 6,000 families inside, and these are these families. So this survey played very, very key role where we could put in this list, and this list was given finally even to Prime Minister's office, saying that because when the state government was not taking a decision, and we had to push it up to the Prime Minister level, saying that these are the agarias with the latitude, longitude, location, and with their salt farm, and with that entire survey. This really played a very key role in having that decision of giving 10 acres to each of these agaria. Thank you. Next. This was about all agaria program, health education, land entitlements, and the digital survey, which was again part of land entitlement, or you can say land rights struggle. Now I'll quickly move on to the legal awareness program, which is again a program which was started in 2008 with our right to information on wills, and now it has made into a broad called legal awareness program. In last 1 year, we have what we have done is we have done series of training programs building capacities of the communities to make government accountable on various public programs which are having huge funding. Like we have NAREGA, more than 45 or 50,000 crore rupees. We have Forest Right Act. We have National Food Security Act, another huge budget, public budget program. We have Right to Education. We also have a state law called Right of Citizen for Time-Bound Service.
service delivery. All these acts are basically legislations which are giving power to the citizen in the democratic process, which is actually they already have, but there should be a legal process to exercise that power, to enjoy that power. So all these legislations are giving that power, and we are teaching them how right to information can be used to make this work. So how RTI can be used to make NREGA work, how RTI can be used to have FRA and get your land, how you will use it to get PDA, and how you will get right to education by using Right to Information Act. So this is our extensive training program continuously going on throughout the year, online and offline, and we give these services even to other organizations, and we ourselves go to the citizens and having these training programs. And this gives very good result, because there are more number of people than making system accountable. I'll just give one example. Last year we started with a campaign called Ask How Much Fund Was Done Used by Your MLA for Local Area Development, and more than 50 people who were just connected with our RTI helpline filed an RTI application asking for their MLAs, the accounts of their MLA Local Area Development Fund. So it is beyond our karyakarta or our work area. Legal awareness program is throughout Gujarat, and there are more and more citizens who are connected to this initiative. Next. We also did, training program, we did around 43 training programs last year. We handled around 1,300 cases via helpline, email, WhatsApp guidance center, and also when we go to the field, the people who meet us and we give them personal guidance. Our helpline is running from last 2006 and continuously running. We also now have a guidance via WhatsApp. So there are many, many people who are taking this help, especially from other states. And I can see in last 1 year, the people who are calling on helpline are from Chhattisgarh, Jharkhand, Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, and their number is increasing. Also from Punjab, and many of them are RTI activists, or even the karyakartas working on Forest Right Act or on Panchayati Raj and Gram Sabha activation, and they are very tactfully using RTI to make government accountable, to unearth the scams that are being done, and to set the system in a right place. So it's very learning opportunity also on the helpline and the WhatsApp guidance center, that we can interact with the people across the country. Next. Yeah, this was one thing which I would like to share. Last year we made one report for MLA performance report, which was very popular and which was taken up very, very nicely by media. We analyzed their performance on their presence in the state assembly, second, how much fund they have used. They get around 2.5 crore rupees per year for the local area, and where they used it and how they used it. And the third, how many questions they raised in the state assembly when they were present. And the data was taken by Right to Information by using RTI. It was not given. We had to fight it up to the commission level. And that gave us one opportunity to advocate with the state that MLA grant expenditure should be shown on a separate website. And finally, the Gujarat Information Commission gave the verdict where they directed the state government that the separate website or portal should be developed for where we can see MLA grant expenditure. And we can also see sector-wise that how much they have done for agriculture, how much they have done for energy, how they have done for education or health, so that we can actually monitor where their money is going. The state government earlier said there is no funds, but this year, because of the GIC's order, they asked for the new fund and the new budget, and now 25 lakhs only have been given as a new funding, and the portal development has already started, and there are
two people who are developing this portal. They are also consulting us because we were party to this entire process. So I am also continuously in touch with General Administration Department, who is developing this portal. And this will be really very useful. Even the MLAs are very happy that such a report is being, I mean, such a portal has been developed, because it will be used by them also to see that how much work that they have sanctioned from their own fund has been done or not. Next. We do a voter awareness campaign in the border areas of Kutch. Last year, we had our state assembly elections, and we chose those areas which were having very less voter percentage. We also wanted to see what are the factors that are affecting this voting, because voting is that participation of the citizen into making their government. So irrespective of which party, it is their basic participation that should come. And when we went to the border areas of Kutch, we saw that there is huge migration. People, the booths are at very far distance, and there are various other problems which they were facing. Because of that, they didn't want to vote. So our interaction with them in this campaign was really very interesting and learning for ourselves. And we also shared that learning with the Election Commission of India, where we are associated with Association for Democratic Reforms, and ECI is very actively associated with ADR also. So we could share our concerns, and we have been sharing these concerns for last many years, because in agarias also, when they are into the desert, they face problem that they have to travel a lot to come to their native village for voting. So this finally, I mean, ECI is seriously thinking on having voting from anywhere. I don't know how they are going to do it, through auxiliary booth or through online, but they are seriously thinking on this issue. Recently, some 3 months back, they also had one webinar where they were actually they announced that there will be a facility for migrating communities to vote. So this was something which was important for us. Next. Our ADR campaign or voter awareness campaign, MLA performance report, and watch on the candidates for their expenditure during the elections, and also about their educational criminal background. This really gets a very wide coverage in the media, and every time when we have a press conference, we have a huge number of press reports that normally in different languages. Next. So I'm done with the Agaria and the legal awareness program. Actually, I was thinking of going in this tribal area, but Dhwanit is here with us. So I would ask Dhwanit, to wo main Dhwanit ko kahungi ki wo tribal area ka health education aur do dusre programs hain uske bare mein bataein. Aur unka presentation shayad maine bheja tha, to nahi to fir wo aapko unko co-host banana padega, to wo apne mobile se hi share karein. या पंक्ति मेरे पास है, उनका पीडीएफ प्रेजेंटेशन है. ओके, तो अभी हम लीगल अवेयरनेस पंक्ति, पंक्ति, के ऊपर कोई, हाँ, एक ही सजेशन है कि अभी काफी टाइम भी इसमें गया है, तो ध्वनित को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि बहुत ही संक्षिप्त में वो बताए, कॉम्प्रिहेंसिव वे में, और बाकी क्वेश्चन आंसर टाइम पे वो डिटेलिंग जो भी जरूरी होगा वो उसमें आ जाएगा. ठीक है, मैं ये कहती हूँ नागा कि अगर कोई लीगल अवेयरनेस एंड अगरिया प्रोग्राम पे अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो अभी हम ले क्या, या सब कुछ बाद में ही रखें? एक फिर पूछ लेते हैं सबसे. फोक्स, आर देयर एनी क्वेश्चंस? मेरा एक क्वेश्चन था, जब इंट्रोडक्शन चल रहे थे, कुछ लोग कह रहे थे कि उनके स्कूल 5 या 7 किलोमीटर दूर से हैं, तो वो कैसे ट्रैवल करते हैं ये डेली बाल दोस्त एक्टिविटीज के लिए, एक वो पूछना था. दूसरी बात, जब सारे कह रहे थे कि हम वेकेशन में ये करते हैं, तो बेसिकली स्कूल वेकेशन में, राइट, उनका वेकेशन नहीं, स्कूल के, जब स्कूल वेकेशन में होती हैं तो वो और सारे कामों में हेल्प करते हैं, जैसे राशन कार्ड, आधार कार्ड, वो सब, राइट? एग्जैक्टली. और सभी हमारे टीम मेंबर्स के पास मोटरसाइकिल है, तो वो मोटरसाइकिल से आते हैं. और जो लड़कियां हैं वो स्कूटी, एक लड़की मोटरसाइकिल से आती है, बाकी की स्कूटी पे आती हैं अपनी, तो बट दे कम्यूट ऑन देयर देमसेल्व्स एंड वी गिव देम अ ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर दैट. ओके, गुड, थैंक यू. वैदेश, गो अहेड. वैदेश बे एरिया से हैं, वॉलंटियर. हेलो, थैंक यू सो मच प्रेजेंटेशन के लिए. मेरा एक क्वेश्चन था कि
जैसे आप पढ़ा रहे हो और बच्चों का प्रोग्रेस हो रहा है, लाइक और ज्यादा बच्चे स्कूल आ रहे हैं, तो उनके पढ़ाई का प्रोग्रेस आप कैसे नाप रहे हो? लाइक उनके एग्जाम में आप देख रहे हो कि पुराने उनके मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं उन्हें, या ये सब चीजें भी आई थिंक आप अगर गवर्नमेंट को दिखाओगे तो दैट विल हेल्प इन इंक्रीजिंग दी नंबर ऑफ दीज स्कूल्स जो आप डेजर्ट्स में बना रहे हो, और जो आपकी वजह से ही गवर्नमेंट फोर्स हुआ है बनाने के लिए। तो आई थिंक अगर ये थोड़े मेट्रिक्स हम और इकट्ठा करेंगे तो आई थिंक वो और अच्छा होगा होगा गवर्नमेंट से आर्ग्यू करने के लिए और बढ़ाने के लिए सब स्कूल्स। बिल्कुल, डेजर्ट के लिए मैं बताऊंगी, ट्रैवल के लिए ध्वनित वो कवर कर लेंगे अपने इसमें। डेजर्ट में एक्चुअली वैसे गवर्नमेंट का स्कूल जब बन जाता है तो दे हैव समथिंग कॉल्ड अ वीकली टेस्ट। नाउ बिकॉज ऑफ आरटीई इट इज कंटिन्यूअस इवेल्युएशन एंड आई मीन मैपिंग द प्रोग्रेस ऑफ द चाइल्ड मेथड। सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एकम कसोटे, दैट्स एवरी एवरी वीक। सो चाइल्ड नॉर्मली आई मीन टीचर नॉर्मली कम्स टू नो वेदर चाइल्ड इज लर्निंग और नॉट एवरी वीक। तो ये हम जब देखते हैं, मतलब उनके जो प्रोग्रेस देखते हैं वो उनके वीकली टेस्ट में हम लोग देखते हैं। वहां हम अलग से कोई एग्जाम्स नहीं लेते, वेर एज इन ट्राइबल एरियाज ध्वनित हैज सम अदर डेवलप सम अदर मेथड टू कैप्चर कि बच्चों ने लिटरली कितना पढ़ा। बट डेजर्ट में प्रवीण एंड आनंद बेसिकली ये फोकस करते हैं कि बच्चों को पढ़ना लिखना और बेसिक मैथ्स आया या नहीं, कितने ऐसे बच्चे थे जिनको नहीं आ रहा था और कितने अभी हैं जिनको आ रहा है, तो वो उस तरीके से उनका उनको देखते हैं। तो ध्वनित को मैं कहूंगी कि वो जब अपना प्रोग्राम ये करें तो वो मेथड का बात बताएं कि वो कैसे मैप करते हैं प्रोग्रेस। पंक्ति एक ओके, थैंक यू सो क्वेश्चन, मच। पंक्ति एक क्वेश्चन, तुम्हारे स्लाइड डेक में और 5 स्लाइड्स हैं जो ट्राइबल इन्वॉल्वमेंट, वो ध्वनित बात करेंगे या वो जनपद डिजिटल हाँ ध्वनित एजुकेशन बात, पीडीएफ? नहीं, ध्वनित बात करेंगे, वही था एक्चुअली वो। ओके ध्वनित, आप शुरू हो जाओ। यस ओके, यस आई थिंक नागा, वो मेरा जो था प्रेजेंटेशन वो आपको शायद इसके अंदर करना पड़ेगा। ओके, ये इंटरवेंशन इन ट्राइबल एरिया ये चाहिए या पीडीएफ वाले चाहिए? नहीं, पीडीएफ वाला, क्योंकि ओके वो उसके अंदर जस्ट पिक्चर्स ही है और ओवरऑल टाइम भी कम है, इसलिए मैं बहुत इसके अंदर नहीं जाऊंगा डिटेलिंग में, एंड जनरली मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा दांता ये अगर फुल स्क्रीन ब्लॉक, हो सकता है तो प्रेजेंटेशन फुल स्क्रीन हो जाए तो वो अच्छा रहेगा, देखने में विजिबिलिटी बढ़ेगी। अच्छा ये आपको स्लाइड नहीं दिख रहे, ये पीडीएफ वाले? पीडीएफ में आप व्यू में जाके फुल स्क्रीन करेंगे तो हो जाएगा। हाँ तो बेसिकली ये दांता ब्लॉक जो है वो ट्राइबल ब्लॉक है, एंड एक एक हिसाब से गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से माल नरिशमेंट जो है वो भी सबसे ज्यादा यही ब्लॉक के अंदर है। अराउंड 16,000 चिल्ड्रंस जो है वो भी माल नरिश है दांता ब्लॉक के अंदर। तो यहाँ पे हम लोगों ने पिछले 3 साल से हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम वो हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया था यहाँ के 24 विलेजेस एंड 24 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स, जिसके अंदर टोटल जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो है करीबन 6,000 बच्चे। उसमें से स्टैंडर्ड 1 to 5 को हम लोगों ने मेनली टारगेट किया है, जिसके अंदर 4,232 बच्चे वो आज की तारीख के अंदर वो ये हमारी 24 स्कूल में जहाँ पे हमारा 8 सपोर्टेड हमारा एजुकेशन का प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे वो हो रहा है। तो हमारे जो भी फ्रेंड्स है, जो भी हमारे टीचर्स है, तो आज से 2 साल पहले की ये हालत वो थी कि गवर्नमेंट टीचर्स वो हार्डली स्कूल ओपन करते थे जस्ट फॉर 2 से 3 घंटों के लिए, क्योंकि ये ट्राइबल एरिया है और कोई भी वहाँ के लोकलाइट नहीं है, वो लोग बहुत दूर से वो लोग ट्रैवल करके आते हैं। तो वो लोग 12 बजे 1 बजे आएंगे, बच्चों को खाना दे के 2 बजे या तो 3 बजे स्कूल बंद करके वो लोग तो निकल भी जाएंगे। तो ये हालत थी ट्राइबल एरिया के अंदर, जो हमारे पिछले ये 2 साल के इंटरवेंशन के अंदर जो हमारी स्कूल्स है तो वो भी पूरे टाइम के लिए ओपन होना भी स्टार्ट हुई है। तो लाइक
सुबह 10:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक फुल टाइम के लिए स्कूल हमारी ओपन जो है वो अभी रहनी शुरू हुई है। और हमारा ही यही सारी चीजें देख देख के हम जो स्कूल के अंदर हमारा प्रोग्राम नहीं चल रहा है तो वो स्कूल्स भी अभी तो वो भी अभी पूरे टाइम के लिए वो भी अभी खुली रहती है। एंड जो भी गवर्नमेंट टीचर्स आते हैं वो भी अभी नए जो टीचर्स आने जो अभी स्टार्ट हुए है वो भी अभी धीरे 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 इंटरेस्ट लेके बच्चों को पढ़ाना और वो भी अभी अच्छे से उन लोगों ने शुरुआत किया हुआ है। दूसरा एक था कि स्कूल के अंदर मिड डे मील जो है तो वो भी बच्चों को पहले मिलता नहीं था, थोड़ा सा बनाया सब बच्चों को प्लेट के अंदर एक एक स्पून जो है वो दे दिया और फिर वो खत्म हो गया। लेकिन पिछले 2 साल के इंटरवेंशन के अंदर हमारा फर्स्ट ईयर के अंदर ही सारे के सारे बच्चों को पेट भर के खाना जो है वो भी मिड डे मील के अंदर शुरू हो चुका था। इस साल के अंदर वही खाने को थोड़ा सा टेस्टी कैसे हो तो वो हमारा एक मेन इंटरवेंशन हुआ है। और अभी कुछ स्कूल के अंदर तो बहुत अच्छे से खाना जो है वो हमें टेस्टी खाना जो बच्चों को पसंद आए तो वो भी उनको अच्छे से स्टार्ट हो चुका है मिलना। दूसरा हम लोगों ने लास्ट ईयर हमारी हर एक स्कूल के अंदर जो है वो एक लाइब्रेरी कॉर्नर जो है वो हम लोगों ने ओपन किया कि जिसके अंदर से हर एक बच्चा जो है वो आए और उनकी इंटरेस्ट के हिसाब से बुक जो है वो वहां से ले, वो उसको घर पे ले जाए, पढ़े, उनके भाई बहनों को वो लोग सिखाए और वापस वो बुक लाके स्कूल के अंदर दे तो उनको दूसरी एक बुक इश्यू हो। तो ये चीज से हमें पहले लगा नहीं था कि हमें कि वो इतना सक्सेसफुल रहेगा और बच्चे जो है वो इतने रेगुलरली बुक्स वगैरह ले जाएंगे। लेकिन हम भी सरप्राइज है कि हमारा पिछले 1 साल से डिजिटल एजुकेशन प्रोग्राम जो है उसकी वजह से आज बच्चों को पढ़ाई के अंदर भी इतना इंटरेस्ट वो आना स्टार्ट हुआ है कि वो लोग ओवरऑल जो है वो टैबलेट के थ्रू तो एजुकेशन जो है वो तुमको मिल ही रहा है लेकिन साथ में वो लोग जो अलग अलग बुक्स है फिर वो स्टोरी बुक्स है फिर कुछ जनरल नॉलेज की बुक्स है तो वो सारी बुक्स भी वो लोग घर पे ले जाते हैं और उनको अब पढ़ना वगैरह भी हमको आना है अभी आ रहा है और साथ में हमको इंटरेस्ट भी उसके अंदर वो लोग जग रहा है। साथ में हमारे स्कूल्स के अंदर तो हमारी सिर्फ डिजिटल एजुकेशन जो है वही उसके ऊपर ही हम लोग फोकस नहीं करते, साथ में उनके ब्लैक बोर्ड एक्टिविटीज जो है उसके अंदर भी हम लोग जो है उसका भी हम लोग यूज करते हैं कि टैबलेट के अंदर डिफरेंट जो एप्लीकेशंस है वीडियोस है तो उसके माध्यम से मैथ साइंस एंड मोस्टली उनके एक्सपेरिमेंट वगैरह जो है वो बहुत इजीली वो लोग ग्रास्प कर रहे हैं। उनका एक हमारे बाल मित्र जिस तरीके से उनके साथ दोस्त बन के उनको पढ़ाते हैं तो उस हिसाब से वो लोग बहुत अच्छे से और बहुत जल्दी वो लोग ग्रेस भी वो लोग कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ एजुकेशन के उनके साथ साथ उनके स्पोर्ट्स जो है जैसे कि हमारा जो एरिया है तो उसके अंदर अभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम है ये आर्मी की है, पुलिस की है, फिर वो लोकल जो है वहां की है तो वहां के हमारे ये सारे के सारे बच्चे जो है वो लोग फिजिकल टेस्ट के अंदर तो वो लोग क्वालिफाई हो जाते हैं लेकिन कहीं ना कहीं पे उनकी रिटन एग्जाम है वहां पे वो लोग रह जाते हैं। तो हमारे सारे के सारे बाल मित्र जो है वो भी अभी से ही उनको ये सारी चीजें जो है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर बचपन से ही उनको अलग अलग चीजें जो है वो भी उनको कराना स्टार्ट कर देते हैं ताकि आगे जाके उनको पढ़ाई एंड वो तो दोनों चीजों के अंदर उनको बहुत अच्छे से वो लोग ये सारी चीजें सीख पाए। दूसरा जो है वो मेनली मैं आपको एक चीज कहूँ तो हमारे अभी टोटल 8 बाल दोस्त थे और उसके थ्रू हमारी 24 स्कूलें चल रही थी लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमें भी कहीं पे ऐसा फील हुआ कि बच्चों को अभी सारे बच्चों को हम लोग एक ही दिन के अंदर 3 3 स्कूल कवर करके हम बहुत अच्छे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं और हमें बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इस साल हम लोगों ने तय किया कि 1 बाल दोस्त जो है वो 3 की जगह पे 2 स्कूल में ही जाएगा तो आधा दिन
वो पहली स्कूल में होगा, बाकी का आधा दिन वो उसकी सेकंड स्कूल में होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने नए रिक्रूटमेंट्स भी किए और अभी उन लोगों की ट्रेनिंग अभी चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज ये है, इंटरव्यू लेने के टाइम पे ये बहुत शॉकिंग ये चीज हमेशा फील होती है देखने में, कि एक बार इंटरव्यू लेते हैं, उनके पास डिग्रीज तो है, उनके पास BA, MEd, MPhil तक की डिग्रीज है, लेकिन जब साथ में आप उनको बोलो कि आप आपके गांव के बारे में 4 सेंटेंस आप बताएं और 4 सेंटेंस आप लिखे, ये जब होते हैं हम लोग पूछते हैं तो हमें बहुत निराशा मिल रही है कि आज के दिन पे भी BA BEd किए हुए या तो नर्सिंग किए हुए जो होते हैं लड़के, तो उनको भी 4 सेंटेंस उनके खुद के गांव के बारे में, खुद के बारे में वो उनको लिखना नहीं आता है। हाँ, वहां से ब्लॉक लेवल पे एक सकलासना है, एक दांता करके है, तो वहां की कॉलेजेस के अंदर सिर्फ संस्कृत एंड गुजराती के अंदर ही BA होते हैं, तो जितने भी आएंगे हमारे पास तो वो हर एक उन लोगों ने संस्कृत के अंदर उन लोगों ने BA किया होगा, लेकिन संस्कृत का एक श्लोक भी आता नहीं होगा। तो ये अभी का ये एक बहुत चिंता का विषय अभी है, तो उसकी वजह से हम लोग एक बार इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें से हमें ज्यादातर जो है बच्चे वो हमारे इंटरव्यू को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनके साथ हम लोग ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, लेकिन हमारी ट्रेनिंग खत्म होकर करते करते अगर 10 लोगों के साथ हम लोगों ने ट्रेनिंग स्टार्ट की हो तो उसमें से ट्रेनिंग खत्म होते होते आखिर में एक ही बंदा हमारे पास रहता है, बाकी के 9 लोग तो बीच में ही छोड़ के चले जाते हैं। तो एक अच्छे लोगों को मिलना तो वो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो अभी हमारे लास्ट टाइम की ट्रेनिंग में से एक प्रकाश भाई करके है, वो ही एक अभी है ये एजुकेशन आपको ट्रेनिंग में, और बाकी के लोग जो है वो आए दिन में आएंगे तो वो एक चीज होगा। दूसरा कि हम हर एक साल के अंदर हमारी एटलीस्ट हमारे हम लोग हम खुद से ही 2 बार हम लोग एग्जाम लेते हैं बच्चों की, एक तो जब साल की शुरुआत होती है तो हमारी जुलाई अगस्त के अंदर एक एग्जाम होती है कि जो हमारे पास आए हैं बच्चे तो वो बच्चों का एक लेवल क्या है एंड उनको कहाँ तक कितना आ रहा है, तो उसके बाद और जब पूरे साल के बाद उनकी फाइनल एग्जाम जो है वो आती है मार्च महीने में, तो हमारी एग्जाम मार्च महीने से पहले 1 महीने पहले आती है फ़रवरी के अंदर, कि पूरे साल के अंदर उनका ग्रोथ जो है वो कहाँ तक हुआ है, कौन सी चीजें के अंदर अभी भी बच्चों को डिफिकल्टीज आ रही है, तो वो हमारे पास भी 1 से 1.5 महीना हो, ताकि हमारी एग्जाम अगर फ़रवरी में हो जाती है फिनिश तो वो बच्चों को गवर्नमेंट की एग्जाम आए तो उससे पहले कि उनको कौन सी चीजें नहीं आ रही है, कौन सी चीजों में ज्यादा डिफिकल्टी आ रही है, तो पर्टिकुलर वो बच्चों को वही चीजों के अंदर फोकस करवा के तो अप्रैल के अंदर जब उनकी फाइनल एग्जाम आए तो उससे पहले हम लोग तैयार कर सके। और पिछले यही चीजों के अंदर अगर हम लोग देखें तो लास्ट ईयर के अंदर हमारा ऑन एन एवरेज अगर आप अटेंडेंस की बात करें या बच्चों के रिजल्ट की बात करें तो हमारे इम्पैक्ट के अंदर हमें 30% हमें वो हमें हाइक था, कि जो बच्चे आ रहे थे तो वो जून जुलाई से लेकर उन्होंने एग्जाम जब अप्रैल के अंदर दी तो उन लोगों का रिजल्ट वो एटलीस्ट 30% जो है वो उनका इंक्रीज हुआ था। दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट की स्कीम है कि वो 8वीं कक्षा तक किसी भी बच्चे को वो लोग फेल नहीं करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं या तो नहीं पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट टीचर्स भी उनके ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं एंड वो देना भी नहीं चाहते थे अभी तक, लेकिन अभी धीरे धीरे उनके हमारे 1 साल के इंटरवेंशन के बाद अभी वो लोग भी इंटरेस्ट लेके वो भी थोड़े से साथ में जुड़ के पढ़ाना जो है वो भी अच्छे से स्टार्ट किया है। तो अगर इस साल की अगर हम लोग अगर बात करें तो हमारा जो रिजल्ट है तो उसके अंदर हमारा टारगेट यही था कि हमारे 100% बच्चे वो विदाउट किसी हेल्प किसी की भी हेल्प लिए बगैर वो खुद से उनका खुद का पेपर लिखे और लिख के वो उनका जो भी मार्क आए वो उनके खुद के हो, तो हमें लास्ट ईयर के एंड के अंदर हमें एटलीस्ट हमारे 40% जितने हमारे बच्चे इतने तैयार हो चुके थे कि उन लोगों ने खुद से उनका खुद का पेपर लिखा है किसी की हेल्प के बगैर।
और वो उनको भी पता है कि वो लोग फेल नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन लोगों ने मेहनत करके और उन्होंने खुद का पेपर जो है वो खुद से लिखा है। इस साल की अगर हम लोग अगर बात करें तो हमारा एक एग्जाम हम लोगों ने हमारी ऑलरेडी ले चुके हैं, एंड उसका रिजल्ट की अगर बात करें तो ओवरऑल बच्चों जो है उनका रिजल्ट वो 65% से अप आया हुआ है। जो लास्ट ईयर की अगर हम लोगों ने फर्स्ट एग्जाम ली थी तो उसके कंपैरिजन में वो रिजल्ट हमारा 20% था। तो ये हमारे बाल मित्र जो है उन लोगों की मेहनत है जो ये अभी एक साल के अंदर इतना इम्प्रूवमेंट जो है वो उन लोगों के अंदर बहुत अच्छे से उन लोगों ने मेहनत करवाई है और वो हमारे बच्चों को यहाँ तक उन लोगों ने तैयार किया है। तो ये हमारी मेनली एजुकेशन के ऊपर की बात हुई। दूसरी अगर हम लोग अगर बात करें तो जो हमारी पूरे साल के अंदर ऑन एन एवरेज हर महीने एक हमारे बाल बाल मित्र है उनकी भी हम लोग ट्रेनिंग जो है वो हम लोग रखते हैं, तो ताकि वो ये एक प्रोग्राम के अंदर वो एक सीमित ना रह जाए और उनके भी वो खुद से भी जो है वो भी एक अच्छे से कार्यकर्ता भी वो लोग बन पाए। तो जिसके अंदर मेनली हमारे हम लोग बाहर से तो अगर किसी की हेल्प चाहिए तो हम बोलते हैं पंक्ति बहन को कि आप जो है वो हमें हेल्प करो और हमें ये कोई एक रिसोर्स पर्सन अच्छे से जो है वो हमें ये चीज के लिए आप हमें अरेंज करके दो। बाकी अदरवाइज हम लोग सबसे पहले हम लोग प्रेफर करते हैं कि हमारे वहाँ के लोकल रिसोर्स पर्सन है उन्हीं को हम लोग कॉन्टेक्ट करें और उन्हीं को हम लोग बुला के हमारे बाल दोस्त को हम लोग ट्रेनिंग दे। तो अभी तक हर एक साल के अंदर भी अगर हम लोग बात करें तो हमारे एक तो मेनली टैबलेट के ऊपर होती है ट्रेनिंग, दूसरा ये है कि हमारे एजुकेशन के अंदर भी जितना भी डेटा हम लोग यूज कर रहे हैं हमारे टैबलेट के अंदर, फिर वो एप्लीकेशन है, वीडियोज है, साइंस के ये एक्सपेरिमेंट्स है, तो ये सारी की सारी चीजें वो हमारे बाल मित्रों की टीम जो है वो लास्ट ईयर तक मुझे उनको करके देना उनको देखे करना पड़ रहा था, लेकिन इस साल के अंदर वो लोग भी इतने हो चुके हैं रेडी कि वो लोग उनकी खुद का सिलेबस जो है वो खुद वो लोग उसके अंदर डिजाइन कर रहे हैं, एंड उनके लिए सुटेबल एप्स कौन सी है, सुटेबल वीडियोस कौन से हैं कि जिससे हमारे गांव के बच्चे जो है वो भी उनको वो वीडियो के साथ वो खुद को रिलेट कर सके, तो वैसे वीडियोस एंड एप्लीकेशंस एंड वो साइंस के एक्सपेरिमेंट, दूसरी नई टेक्निक्स अलग अलग कि वो भी अभी वो लोग खुद से भी डेवलप करना वो लोग सीख चुके हैं। अदरवाइज उनका मेनली अभी तक की जो भी ये राशन के सवाल है तो उनके ये एजुकेशन के अंदर जो उनका 10 से 5 का टाइम जो है वो तो मेनली स्कूल के अंदर ही रहता है, उसके अलावा बाकी के जो टाइम है तो उसके अंदर उनकी एक्स्ट्रा बच्चों के लिए और हमारे बाल मित्रों के लिए दोनों की उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो है उसके ऊपर भी हम लोग इक्वली हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि वो लोग भी वो अच्छे से पढ़ाई के अंदर तो उनका परफॉर्म करें लेकिन साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर भी वो लोग परफॉर्म करें। तो साथ में उनके राशन कार्ड है तो उसके अंदर नाम कमी करना है, नाम ये ऐड करना है या तो कार्ड को स्प्लिट करना है, विडो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन है, हैंडीकेप पेंशन है, तो ये सारी गवर्नमेंट की पेंशन की जो स्कीम्स है तो उसके अंदर हम लोगों ने जब 2017-18 के अंदर हम लोगों ने कैंपेन किया था तो उस टाइम पे करीबन 8,000 यहाँ के दाता ब्लॉक के 75 विलेजेस के अंदर से करीबन 8,000 विडो पेंशन एंड 3,500 जो है वो हम लोगों ने ऑलरेडी पेंशन हम लोगों ने शुरू करवाए थे फील्ड विजिट कर करके। तो अभी उनके अंदर क्या होता है कि हर साल उनका जो है वो खुद का एक हयाती का एक दाखला भी पंचायत से निकलवाना होता है, वो भी सबमिट करना होता है, उनके बैंक अकाउंट के अंदर उनका केवाईसी नहीं हो पाता है, तो वो चीजों की वजह से उनका पेंशन बंद हो जाता है। तो हमारा एवरी जो हर साल हमारा मेनली एक ही है कैंपेन के अंदर होता है, मोड के अंदर होता है कि वो सारे जो है उनके हाउस होल्ड की विजिट हो, हमारे सारे के सारे बाल मित्र ही वो लोग विजिट भी करते हैं और उनके अगर पेंशन मिल रहा है तो ठीक है, नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, तो वो लोग खुद ही वो लोग कोऑर्डिनेट भी करेंगे, वो लोग जाएंगे
एंड उनका अगर केवाईसी पेंडिंग है तो वो लोग कर देंगे, हयाती का दाखला जो है वो अगर नहीं है तो वो लोग कर लेंगे, या तो पुनः उन्होंने फिर से मैरिज नहीं किया है तो उसका भी एक दाखला होता है, वो भी आता है पंचायत से, वो नहीं है तो वो भी सब निकाल के वो लोग मामलतदार ऑफिस के अंदर जाके सबमिट करके उनका पेंशन वो लोग वापस शुरू करवाएंगे। तो यहाँ ये हमारे ये सारे बाल मित्र उनका सिर्फ एजुकेशन पे नहीं, बाकी की ये सारी जो होती है गवर्नमेंट स्कीम है, जैसे गवर्नमेंट की स्पॉन्सरशिप आती है तो वो उसके लिए उसका फॉर्म वगैरह जो होता है वो भरना है, पालक माता पिता है जो है वो तो उसके लिए जो भी ऑर्फन है बच्चे तो उन लोगों के लिए उनकी उनके घर पे जाके विजिट करके वो जो भी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ वो लोग रह रहे हैं तो उनको समझा के उनके उनको हर महीने 3,000 रुपये दे रही है गवर्नमेंट, तो वो सारी चीजों के एक लिंकेज जो है वो हमारे सारे बाल मित्र जो है वो बनते आ रहे हैं। उसके अलावा अगर एक हम लोग बात करें तो हमारे यहाँ पे इवन हमारे बाल मित्र की भी अगर आप फैमिली को ऑब्जर्व करें या हमारे ये यहाँ के जो गांव है वहाँ की भी आप फैमिली को अगर आप अगर देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं तो पता चलता है कि यहाँ पे एक चीज ये है कि यहाँ पे उनकी इम्यूनिटी जो है बहुत वीक है, मेनली बच्चों की एंड जो भी महिला है उनकी, कि वो लोग जो है ना बार बार वो लोग बीमार वो हो रहे हैं, एंड साथ में ही उनको गवर्नमेंट के जो भी अस्पताल है तो उसके अंदर उनको उतना भरोसा नहीं था, एंड उसकी वजह से वो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बॉटल चढ़ाएंगे, एंड वो एक बार अगर बुखार भी आया है या तो भी वो लोग जाएंगे बॉटल चढ़ा के आएंगे और 1,000-1,500 रुपये वो लोग वहां पे देके आएंगे। तो हमारा पिछले 3 साल से हमारा मेन फोकस यही रहा है कि गवर्नमेंट के पीएससी एंड सीएससी जो है उसका मैक्सिमम वो लोग यूज करें। तो हम लोगों ने कोविड के टाइम पे ये एड के सपोर्ट से वहां के हमारे दांता ब्लॉक के सारे पीएससी एंड सारे सीएससी के अंदर हम लोगों ने उस टाइम पे भी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हम लोगों ने दिए थे, और वो सारे के सारे पीएससी को हम लोगों ने वापस जो है ना वो एक लेवल पे हम लोगों ने पहुंचाया था कि लोग वहां पे जाके वो आना और वो अच्छी सी ट्रीटमेंट उनकी हो और वो ठीक हो, एंड उनको भी समझाया था गवर्नमेंट डॉक्टर्स को कि अगर आपको भी गांव के लोगों को ये पीएससी तक लाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल जिस हिसाब से उनको ग्लूकोज की बॉटल भी वो लोग चढ़ाते हैं ठीक है बात बात पे वैसे आप भी चढ़ाना स्टार्ट करो, तो उसमें से कुछ डॉक्टर्स का बहुत अच्छे से सपोर्ट मिला कि तो जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो है वो लोग जाके 1,500 रुपये दे के उनकी बॉटल चढ़ा के आएंगे तो यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री में उनकी हो जाएगी बॉटल, तो ये सारे द्वारित 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 थोड़ा आप संक्षिप्त में कीजिए, आपका काफी लंबा हो रहा है, बहुत डिटेल में हो रहा है, वो सवाल जवाब के दौरान आ सकता है। हाँ, आप हमारे पास वक्त जो है वो कम है, तो आप थोड़ा इसको कंप्रिहेंसिव करके बताइए, इतना डिटेल मत कीजिए। ठीक है। तो हमारे सारे के सारी बाल मित्रों की टीम को हम लोगों ने जनरल मेडिसिन एंड जो भी लोकल डिसीज है वहां पे तो उसकी भी हम लोगों ने लोकल रिसोर्स पर्सन एंड पीएससी एंड सीएससी के डॉक्टर्स को हमारे सेंटर पे बुला के हम लोगों ने उनकी ट्रेनिंग भी करवाई है। उसके साथ साथ में हम लोगों ने स्कूल के अंदर बाल मेला भी किया है, वीडियो कैंप भी हम लोगों ने किया है, दूसरा साथ में न्यूट्रिशियस फूड और उसके लिए चिकी एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया है, स्कूल्स के अंदर बुक्स एंड स्टेशनरी का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने किया है। दूसरे वहाँ के मैं 2 मिनट लूंगा इसके लिए कि हमारे यहाँ पे जो कुछ फैमिलीज ऐसे हैं कि जो अभी वो ओल्ड एज हो चुके हैं वो खुद से मजदूरी नहीं कर पा रहे हैं एंड उनकी देखभाल करने के लिए उनके फैमिली में और कोई नहीं बचा है, तो वैसे अराउंड 31 फैमिलीज है कि जिसको हम लोग एड के सपोर्ट से हर महीने हम उनको राशन किट दे रहे हैं और हमारी राशन किट की वजह से उनको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, तो एक चीज ये है। दूसरा बीपर जॉय के टाइम पे करीबन हमारे 51 ऐसे
फैमिली हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे कि उन लोगों को हमें उस टाइम पे इमरजेंसी के अंदर टारपोलिन की हम लोगों ने उनको फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, उनके लिए शेल्टर जो है उसका काम करने का था, लेकिन ये ट्राइबल एरिया के अंदर वहां पे जाने का रास्ता कंप्लीट बंद था जो अभी अभी ओपन हुआ है। तो आफ्टर दिवाली अभी नेक्स्ट ये 1-2 महीने में उनके शेल्टर होम्स जो है उसका भी काम स्टार्ट हो जाएगा। दूसरे स्कूल्स के अंदर जो भी हमारे ऐसे ऑर्फन बच्चे हैं तो उनके लिए स्पेशल एजुकेशन किट्स, क्लोथ्स जो है वो भी हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरा यहाँ के लोकल डोनर्स और उनकी मदद से हम लोगों ने पूरे गुजरात के अंदर सिर्फ 3 ही ऐसे अभी तक तो 10 लैब हो चुकी है, लेकिन उसमें से पूरे गुजरात में सबसे हाईली लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ की साइंस लैब हम लोगों ने माकड़ी के अंदर लोकल रिसोर्सेज से और लोकल डोनर्स की मदद से हम लोगों ने स्टार्ट करवाई है। दूसरा हम लोगों ने एक हेल्थ कैंप भी, हम लोगों ने यहाँ की एक लोकल हॉस्पिटल है मल्टी स्पेशलिटी और उनका खुद का भी एक ट्रस्ट है तो उनके साथ जुड़ के एक हमारा हेल्थ कैंप हुआ था। उस दिन हमारा करीबन 1300 लोगों का हमारा चेकअप हुआ था, उनके टेस्ट वगैरह हुए थे, उसमें से जो भी थोड़े सीरियस केसेस थे तो उनको ये हेल्थ कैंप के बाद उनका ऑपरेशन तक का उनका कंप्लीट फॉलोअप जो है वो भी हम लोगों ने किया था। और आज के दिन पे उनके करीबन 350 लोगों के जो है वो ऑपरेशन वगैरह सक्सेसफुली हो चुके हैं उनके हेल्थ कार्ड के ऊपर वो हॉस्पिटल के अंदर। दूसरा इसके अलावा अगर शॉर्ट में अगर आपको 2 मिनट के अंदर बता दूं तो हम लोग एक यहाँ का लोकल अवार्ड था प्रकृति वंदन करके, तो उसके अंदर हमारा जो ये है ट्रस्ट तो उसके साथ और फार्मर्स के साथ मिलके अब अभी तक हम लोगों ने 12,000 ट्रीज जो है वो हम लोगों ने प्लांट भी किए हैं और उसको कंजर्व करके वो आज के डेट पे भी वो ट्री वो एग्जिस्ट करते हैं और आज के डेट में भी लोग जो है वो भी उसको पानी वगैरह पिलाते हैं और वो आज के दिन पे वो लोग खड़े हैं। तो वैसे 12,000 ट्री हम लोगों ने सिर्फ प्लांट ही नहीं किए लेकिन उसकी कंटिन्यूअस केयर भी हम लोग करते हुए आ रहे हैं, तो हमें लोकल एक रिकग्निशन मिला था वहां पे। उसके अलावा उनके जो भी पंचायत की विजिट है या आधार कार्ड को लिंक कराना है तो ये सारे काम जो है वो हम लोगों ने ये साल के अंदर अच्छे से किए हैं। दूसरा एक ही मिनट और लूंगा कि एक रंगपुर करके एक गांव है हमारे सेंटर के पास का, वहां का तालाब जो है वो पूरा का पूरा भर गया था, तो वो तालाब को हम लोगों ने लोकल फंड एंड लोकल डोनर्स की मदद से हम लोगों ने वो तालाब की कंप्लीट डेप्थ जो है वो हम लोगों ने 15 मीटर तक की हम लोगों ने जो है वो इंक्रीज की, जिसकी वजह से अभी ये पूरा का पूरा मानसून आके गया लेकिन जो पानी वहां पे इकट्ठा हुआ है तो उसकी वजह से आज पूरे गांव के अंदर के जो भी वेल है उसके अंदर भी पानी बहुत अच्छे से इंक्रीज हुआ है। एंड उसके अलावा हमारे सोलर की अगर हम बात करें तो 13 फार्मर्स की यहाँ पे हमारे आज की डेट पे सोलर इंस्टॉल है एंड वो अच्छे से सोलर के साथ ड्रिप इरिगेशन के साथ जिनके पास और कोई जरिया नहीं था जो डीजल इंजन यूज करते थे उनके वहां पे फार्म पे लाइट नहीं है, तो वैसे 13 फार्मर्स आज हमारे सपुर की मदद से वो लोग वो पूरे साल के अंदर 3 क्रॉप उनके लेने स्टार्ट हुए हैं। लास्ट ईयर उनके 2 क्रॉप ही हुए थे क्योंकि पानी इतना नहीं बचा था उनके पास ताकि तो उस टाइम पे समर के अंदर वो लोग क्रॉप नहीं ले पाए थे, उसमें से करीबन 5 से 6 फार्मर्स बाकी के जो थे फार्मर्स उन लोगों ने अड़ोस पड़ोस से पानी लेके उन्होंने क्रॉप किया था। लेकिन इस साल ऐसा हुआ है कि हर एक फार्मर ने कम से कम 80 लाख लीटर पानी जो है वो उसने बचाया है, जो हमारे सोलर के फार्मर्स है उन्होंने सोलर से उनका क्रॉप
निकाल के, ताकि इस साल जो है वो उनको पानी बहुत अच्छे से उनका सेव किया हुआ है, तो इस साल वो लोग समर के अंदर भी वो लोग आराम से वो लोग क्रॉप ले पाएंगे, तो पूरे साल के वो 3 क्रॉप जो है वो लोग ले पाएंगे, और हमारी वजह से उनका करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए का तो डीजल की कॉस्ट उनकी सेव हुई है। और उसके अलावा उन वो हर एक फार्मर जो है वो फ्लड जो है वो फ्लड वे से पानी नहीं पिलाता, एंड ड्रिप इरिगेशन से वो पानी पिला के करीबन हर एक फार्मर जो है वो 80 से 1 लाख लीटर वो पानी हर क्रॉप के ऊपर वो अभी बचा रहा है। तो ये एक चीज है, तो यहाँ पे मैं मेरा फिनिश कर रहा हूँ, तो अगर कोई सवाल हो या तो कुछ अगर रह गया हो तो पंक्ति जी प्लीज आप ऐसा तो ऐड कर दीजिएगा। मैं सिर्फ बहुत अच्छा ध्वनि, मैं सिर्फ इतना ही ऐड करूंगी क्योंकि ये नया एरिया है हमारे लिए भी, और वहाँ एक्सट्रीम पॉवर्टी कंडीशंस हैं जो हम अगरिया एरियाज में नहीं देख रहे थे। तो यहाँ पर हमें कुछ कुछ जैसे डायरेक्ट रेशन सपोर्ट देना या डायरेक्टली क्लोथिंग सपोर्ट, यूनिफॉर्म सपोर्ट, शूज सपोर्ट, इस तरीके से डायरेक्ट सपोर्ट टू दी मोस्ट वल्नरेबल कम्युनिटीज के पास, ये वाला कार्यक्रम भी करना पड़ रहा है। और इससे एक हमें ये ही कर रहे हैं कि ये कामों में हम लोकल एरिया के लोग और गुजरात के लोग खास करके हम जोड़ रहे हैं उसमें। साधना में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि किस तरीके से समाज से लोग जुड़े ये कामों में, और ये करते करते हम कम्युनिटी के साथ बहुत अच्छे से पहुंच पाए और वहां के पंचायतों, गांवों की स्थिति और लोगों को मोबिलाइज कर पाए। अल्टीमेटली अवर एम इज नॉट टू गिव रेशन सपोर्ट और एजुकेशन और यूनिफॉर्म और शूज सपोर्ट, बट बेसिकली टू मोबिलाइज कम्युनिटी टू मेक दम अंडरस्टैंड अबाउट देयर राइट्स, एंड ऑल्सो हाउ गवर्नमेंट के जो नरेगा स्कीम्स हैं या अदर एंटाइटलमेंट्स हैं जो उनके तक पहुंचे, एंड दे विल बी एबल टू लिव ऑन देयर ओन एक्सेप्ट फॉर वेरी ओल्ड एज फैमिलीज जो बिल्कुल ही मतलब लैंडलेस भी हैं और बिल्कुल कुछ भी उनके पास रिसोर्सेस नहीं है, बट द विडोज हु आर हैविंग लैंड एंड स्टिल दे विल नॉट दे कांट कल्टिवेट द लैंड बिकॉज इट इज मॉर्गेज विद समवन बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी एक्सप्लोटेशन, हेल्थ के प्रॉब्लम और कुछ। तो ये सब में से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लैंड वापस उनके पास आए। FRA में भी अभी वहां पर लड़ाई चल रही है कि जिसको कोर्ट में लेके गए हैं कि FRA के लैंड उनको मिले और उसके ऊपर उनका पूरा अपना ये शुरू हो। तो लॉन्ग टर्म विजन इज दैट टू मेक देम एम्पावर, टू मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट द राइट एंड कैन एक्सरसाइज द राइट। बट ये शुरुआत की कुछ एंट्री लेवल एक्टिविटीज भी हैं हमारे लिए कि जिसमें हम ज्यादा कम्युनिटी को और अच्छे से समझ पाए, प्रॉब्लम को अच्छे से समझ पाए। द डेटा एंड द अंडरस्टैंडिंग विल डेफिनेटली गो इन टू दी पॉलिसी पॉलिसी एडवोकेसी एंड पॉलिसी चेंज के जो भी हमारे एफर्ट्स रहेंगे उसमें। बस इतना ही उसमें जोड़ना चाहती थी। थैंक यू पंक्ति। ध्वनित ने बताया, लेकिन वो जो साइंस लैब वाला स्टोरी है वो भी बहुत ही ये है, यानी वहां पर मिडिल स्कूल जो है और वो माकड़ी करके विलेज, और वहां पर 100% ट्राइबल बच्चे हैं और 9 से 12 की स्कूल है वहां पर। तो वहां पर अहमदाबाद में डॉक्टर विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर का एक स्टैंडर्ड स्कूल का साइंस लैब होता है, और उसमें क्रिएटिवली साइंस लोग बच्चे जाके पढ़ सकते हैं। तो वो साइंस लैब करीब 6 लाख के आसपास उसका खर्चा होता है, और वो साइंस लैब लोकल सपोर्ट से हम लोगों ने वो ट्राइबल विलेज में, 2 ट्राइबल विलेज में वो साइंस लैब बने हैं। बच्चे आसपास के स्कूल के और टीचर्स दोनों उसका बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। दूसरा, लोकल रिसोर्स से दो स्कूल में स्मार्ट बोर्ड रखे हैं। तो ताजुब हुआ इस बार भी हम जब गए तो ये छोटे छोटे बच्चे हमारे, और वो जिस जिस प्रॉम्प्टनेस उनकी अगर देखें, वो स्मार्ट बोर्ड को हैंडल करना, और ये तो बहुत ही अच्छा था। तो ये काफी इंस्पायरिंग भी है, कुछ नए नए एक्सपेरिमेंट जो है वो, बस यही कहना था। थैंक यू हरनेश भाई, थैंक यू ध्वनित पंक्ति। या अभी हमारे यहाँ रात के 11:30 बज रहे हैं, तो काफी वॉलंटियर शायद आज संडे है, कल से वर्क वीक भी है, तो काफी लोग शायद नहीं जुड़ पाए, लेकिन आपकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हम सबसे शेयर करेंगे फिर, और किसी भी चैप्टर को आप लोगों से बात करनी हो तो उनके साथ हम फिर से वार्तालाप करा देंगे।
सो थैंक यू आप सबको, आपने काफी टाइम निकाला और काफी अच्छे काम कर रहे हैं, स्पेशली आपके सारे फील्ड टीम, बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलके और आपकी स्टोरी सुन के। हमारी बदनसीबी ये है कि हमको गुजराती या आपकी ट्राइबल लैंग्वेज नहीं आती है, तो आपको हमारे लिए हिंदी में बोलना पड़ा तो थोड़े मुश्किल था, लेकिन आप सबका काम, मैं पंक्ति और हरनेश भाई और ध्वनि से हर हफ्ते बात करता हूँ उनसे, और उनसे हमें मिल जाती है अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर ऑल द ग्रेट वर्क, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, शुक्रिया इसके लिए, और लगे रहिए और हम आपके साथ देंगे। और थैंक एनीबडी एनी क्वेश्चंस एड से? यू। नहीं, जस्ट मी अगेन रूपाली, थैंक यू अगेन एवरीवन। आपके काम के बारे में जानकर हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, इतनी इन्फॉर्मेशन दी आप लोगों ने। कीप अप द गुड वर्क, आप सब बहुत अच्छा काम कर रहे हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक अब और हम किसी लोग का भी, हमारे क्वेश्चन? अब हमारे पूरा टीम और हमारी कम्युनिटी जिनके साथ हम काम करते हैं, और उन सबके तरफ से हम एड और एड के हमारे जितने भी वॉलेंटियर्स हैं, तो वो सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये उनका सिर्फ फिनेंशियल सपोर्ट नहीं, लेकिन जिस तरीके से वो, जैसे नागा आते हैं, दूसरे दूसरे लोग आते हैं, श्रीकांत आते हैं, और मुझे अरविंदा जी ने प्रॉमिस किया है कि अभी नेक्स्ट आएंगे तो वो हमारे ट्राइबल प्रोग्राम को आएंगे विजिट करेंगे। तो आप सबका शुक्रिया, सबका शुक्रिया, बहुत ही धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक बाय बाय एवरीबडी, यू बाय। एवरीवन, सी यू ऑल।